टेंडर्स महाराष्ट्र। आज के वीडियो में हम ऑनलाइन पेमेंट कैसे करते हैं टेंडर के लिए वो देखेंगे, साथ ही साथ उस पेमेंट को कैसे वेरीफाई करते हैं वो देखेंगे। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पेमेंट करने के बाद यहाँ पर एक ऐसा डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ता है जो कि पेमेंट के रिलेशन से होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, स्कैन कॉपी ऑफ पेड पेमेंट रिसिप्ट ऑफ टेंडर फी एंड ईएमडी। इसी तरीके से ये दूसरा टेंडर दिखाता हूँ, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं रिसिप्ट ऑफ फॉर्म फी एंड ईएमडी पेमेंट रिसिप्ट। इसी तरीके से और भी टेंडर में देखा जा सकता है स्कैन कॉपी ऑफ ऑनलाइन पेमेंट टेंडर फी एंड ईएमडी। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट भी मांगा जाता है। तो पेमेंट करने के बाद वो रिसिप्ट कैसे तैयार कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं रिसिप्ट के, लेकिन हम एक दो तरीके देख लेंगे। तो मेरे पास देखिए ये टेंडर आईडी है, हमारी टेंडर आईडी, इसे टेंडर डिटेल कहते हैं, जो कि यहाँ डिटेल्स। तो ये टेंडर डिटेल्स होती है, इसमें बहुत सारी मालूमात रहती है टेंडर के रिलेशन से। तो हमारा जो आज का टॉपिक है पेमेंट करना, पेमेंट को वेरीफाई करना और पेमेंट की रिसिप्ट बनाना। तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ जिससे ये सिलेक्ट हो जाता है, कॉपी करेंगे और अब मुझे पेमेंट करना है। तो पेमेंट के लिए मैं मोजिला फायरफॉक्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे पहले सर्च एक्टिव टेंडर्स, यह टेंडर आईडी पर क्लिक करके कंट्रोल वी और उसके बाद देखिए सर्च। जो टेंडर मैंने अभी सर्च किया है उसे फेवरेट करना होता है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, टिक कर दिया मैंने और सेट ओपन टेंडर एज फेवरेट इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद माय टेंडर्स, हमारा जो आज का टेंडर है जिसको हमको भरना है तो उसकी आईडी देखिए, और हमारे पास यहाँ एक से ज्यादा टेंडर है तो उसको मैच करना बहुत जरूरी है, और वो ऊपर ही आता है अक्सर। तो इसे व्यू करेंगे, उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रोसीड फॉर बिड सबमिशन, सिंगल क्लिक करेंगे इस बटन पर। उसके बाद आई एग्री नेक्स्ट नेक्स्ट। जो आप हमको पेमेंट करना है उसे यहाँ अच्छी तरीके से चेक कर लेना होता है। पेड फी अभी 0-0 आ रहा है, पे ऑनलाइन। SBI बैंक, ये रेडियो बटन को सिलेक्ट कर लेना है, सबमिट सबमिट। यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक SBI बैंक के ताल्लुक से है और एक अदर बैंक के ताल्लुक से। तो मेरे पास SBI का अकाउंट है जिससे मुझे पेमेंट करना है, तो मैं इस पे एक सिंगल क्लिक करूंगा। यहाँ पर आपको यूजर आईडी डालना होता है और यहाँ पर पासवर्ड डालना होता है। मैं यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉग इन कर लेता हूँ, कंफर्म। यहाँ पर आपको जो ओटीपी आता है यहाँ पर ओटीपी फिल करना होता है और उसके बाद कंफर्म बटन पर क्लिक करना होता है। यहाँ कंफर्म करेंगे, इस तरीके से पेमेंट हो जाता है। क्लिक हियर, ये जो स्लिप रेडी होती है इसे भी आप पेमेंट के तौर पर दे सकते हैं। यहाँ पर देखो, योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ये स्लिप भी दी जा सकती है, जो कि हमारी बात हुई है यहाँ पर, कि अगर ये पेमेंट की जो रिसिप्ट मांग रहे हैं तो उसमें ये भी दिया जा सकता है। यहाँ पर जो भी पेमेंट मांग रहे हैं तो ये स्लिप भी दी जा सकती है, क्योंकि यहाँ कंप्लीटेड सक्सेसफुली भी है और टेंडर के रिलेशन से। यहाँ पर देखिए ऑर्गेनाइजेशन चेन है, टेंडर टाइटल है, टेंडर आईडी है, तो सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है। तो ये भी दे सकते हैं आप टेंडर आईडी को इस तरीके से, कंट्रोल सी करेंगे, उसके बाद कंट्रोल पी, यहाँ पर पीडीएफ होना जरूरी है, यहाँ ओके करेंगे। यहाँ पर मैं 1 या 0-1 कर देता हूँ, उसके बाद कंट्रोल वी करता हूँ।
आप देखेंगे कि मैंने स्पेस नहीं दिया है क्योंकि इसको अपलोड करना होता है, इसलिए यहाँ डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं इसे। तो पेमेंट की रिसीप इस तरीके से भी दी जा सकती है। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखो यहाँ पर वेरीफाई के लिए कोई ऑप्शन नहीं आया हमारे पास, इसलिए जब पेमेंट हो गया तो हम वेरीफाई नहीं करेंगे। यहाँ पर वेरीफाई का के लिए हमारे पास पेमेंट का जो बटन रहता है यहाँ पर वो नहीं आया है, इसलिए वेरीफाई करने की कोई जरूरत नहीं। अब दूसरी चीज ये है कि देखो यहाँ पर पेड फी आ चुकी है, तो इसे भी दिया जा सकता है पेमेंट की रिसिप्ट के तौर पर। तो कंट्रोल पी करेंगे, यहाँ पे पीडीएफ है, ओके करेंगे। यहाँ पर मैं 02 करके कंट्रोल वी करता हूँ जिससे टेंडर की आईडी आ जाती है। डेस्कटॉप पे सेव हो रहा है इसलिए सेव कर देंगे। ये दो तरीके हो गए हमारे पेमेंट रिसिप्ट के, और साथ ही साथ आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके भी कर सकते हैं। तीसरा तरीका देख लेते हैं, हमारी जो टेंडर आईडी है ये हमें मालूम होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे नीचे तो आपको ऑनलाइन पेमेंट स्टेटस मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं और इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। मैं बताता हूँ एक एक। इस पर अगर क्लिक करेंगे तो हमारी जो आईडी है उस पर क्लिक करके हम रिसिप्ट बना सकते हैं और यहाँ से उसका प्रिंट ले सकते हैं। अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारी जो आईडी है वो दिखाई देती है, इसमें से जो भी रिसिप्ट तैयार करना है तो सबसे पहले ऊपर वही आती है जो अभी करंट में काम हो रहा है। इसी तरीके से इस पे भी क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शन आते हैं थोड़े बदल कर। तो हमारा जो टेंडर आईडी ये है तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ। किस पे भी, तीनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैक्सिमाइज करते हैं। यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है पेमेंट के रिलेशन से। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, टेंडर आईडी है, इसी तरीके से बाकी की चीजें दी हुई है। यहाँ पर डेट के रिलेशन से है, यहाँ पे पेमेंट के रिलेशन से है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर ये मुझे रिसिप्ट तैयार करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे पीडीएफ होना जरूरी है, ओके करेंगे। यहाँ पर मैं 03 कर देता हूँ, कंट्रोल वी करेंगे और इसे डेस्कटॉप पे सेव करना है। ये डेस्कटॉप पे सेव हो रहा है, सेव करेंगे और इसे यहाँ से कट कर देते हैं, इसे यहाँ से कट कर देते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन इस्तेमाल करके आप रिसिप्ट बना सकते हैं। मैं आपको तीनों रिसिप्ट एक बार बतला देता हूँ। देखिए अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ तो ये रिसिप्ट आप जोड़ सकते हैं पेमेंट के लिए, क्योंकि इसमें सारी चीजें आ चुकी है। इसे कट करते हैं। ये हमारी दूसरी रिसिप है जो हमने तैयार की। यहाँ पर सारी डिटेल है पेमेंट वगैरह के रिलेशन से, इसे कट करते हैं। यहाँ पर हो गया, तो ये भी एक पेमेंट की इंफॉर्मेशन है। तो और भी तरीके हैं पेमेंट की रिसिप्ट बनाने के। तो आपने देखा कि पेमेंट वेरीफाई करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। मैं यहाँ पर होम पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मेरा ये माई टेंडर है, ये हमारा टेंडर था जिसका पेमेंट किया हमने, व्यू करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर कंटिन्यू बिडिंग, और यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आता है पेमेंट करने के बाद भी, लेकिन यहाँ पर नहीं आया है इसलिए हम वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि पेमेंट ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका है।